नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर नोट्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ये दोस्तों टॉपिक केवल आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने इसके अंदर ज़्यादातर सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हम लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये है हमारी पूरी टॉपिक्स कवर जो हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन कि आप न्यूट्रिशन क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर न्यूट्रिशन के मोड्स बताएंगे कि किस किस तरीके से हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। बेसिकली टू मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम इसके बारे में कवर करेंगे, फिर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की पूरी डिटेल कवर करेंगे एंड देन फिर हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की पूरी डिटेल कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 7 लाइफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइफ करेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? लाइफ करेक्टरिस्टिक्स मतलब ये होता है कि वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी कोई पर्सन मूवमेंट करता है, रेस्पायर करता है यानी कि सांसें लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, एक्सक्रीट करता है जिसकी ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस करता है या रेस्पॉन्स करता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। कहाँ कुछ केसेस में एक्सेप्शनल भी होता है, जैसे कि प्लांट्स हमारे मूवमेंट नहीं करते लेकिन बाकी चीज़ें तो करते हैं, तो इसलिए क्या है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट किए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसके बेसिस पे? इन 7 करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? न्यूट्रिशन। आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन को समझने से पहले बच्चों, मुझे ये बताइए कि फूड क्या है? आप सब रोज कहते हैं हम फूड खा रहे हैं, फूड खा लो। खाना है क्या चीज़ है? एक्चुअली में खाना क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू केमिकल प्रोसेस। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं बॉडी के अंदर ताकि वो हमारे को एनर्जी दे, उसको हम क्या कहते हैं? फूड। फूड क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस की मदद से तोड़ा जाता है एनर्जी पाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। फूड हमारे को एनर्जी देता है जो हमें क्या करता है, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, ड्राइंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इन सबको करने में हमें क्या करता है? हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ पूरा का पूरा प्रोसेस खाने को, खाना खाने का, पीने का लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और फिर उसे यूज़ करना है किसके लिए? ग्रोथ एंड डेली एक्टिविटीज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यहाँ तक बात समझ में आई? न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? पूरा का पूरा प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है किसका? खाना खाना, पीना लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और फिर उसे यूज करना किसके लिए? ग्रोथ के लिए और हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो क्या है? न्यूट्रिशन हमारा स्टडी है किसका? फूड का, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है उसका। ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन के अंदर सारी स्टफ्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि हमारे फूड के अंदर आते हैं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मैनी मोर। कभी कभी भूले भटके एक क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन होता है, तो बच्चों फादर ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं एंटोनी लेवोसायर। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट वर्क्स ऑन योर बॉडी। इसे याद रखिएगा, न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड के बारे में स्टडी करना और वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से काम करता है, वही क्या है? न्यूट्रिशन है। अब बच्चों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हमारे दो तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से होता है, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, हेटरो मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इन दोनों वर्डों को मिला के
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन खुद लिया जाता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बच्चों हमने देखा है एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, वो खाना खाते हैं, उनको ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? भाई एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से लेते हैं। भाई प्लांट्स से फ्रूट्स लेते हैं, बहुत से लोग एनिमल से आपके मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं या एनिमल को मार के भी खाते हैं जो नॉन लिविंग वो जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एनिमल प्लांट्स, ये प्लांट्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे ना। तो क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ना तो अपना खाना खुद बना सकते ना ही वो दूसरे एनिमल्स की तरह दूसरे प्लेसेस पे जा सकते, तो फिर वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। भाई एनिमल्स अपना खाना खाने के लिए सर्च करते हैं फूड को इधर उधर, ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हमारे प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, वो कुक नहीं कर सकते, तो वो अपना खाना बनाते कैसे हैं? तो वो प्रोसेस बच्चों जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। इस वर्ड को आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं एक्चुअली में अपना खाना खुद बनाते हैं। और फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में हम जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं। अब ये लाइट क्या है? लाइट इज द सनलाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना पाए उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। मैंने अभी बताया था ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं या वो जो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये बच्चों कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके फोटोसिंथेसिस टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था। तो टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय सीआर बांस इन 1883। किसने किया था? सीआर बांस ने किया था बच्चों 1883 में। इसे याद रखिएगा, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा रहे हैं बच्चों। ये वो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की बात की गई है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। इसका मतलब ये होता है प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? वो लीव्स में बनाते हैं। जितनी भी फूड की प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। तो यहीं पे अब इसी चीज को देखते हुए बोला गया है कि लीव्स क्या करते हैं, एटमोसफेयर से अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में कहाँ से आता है? हमारे थ्रू, हम ह्यूमन बींग्स के थ्रू जब हम रिस्पायर करते हैं, सांसें लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते हैं और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में देते हैं बच्चों, वही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स अपने एटमॉस्फेयर से लेता है। तभी तो कहते हैं ग्रीन प्लांट्स हमारी सांस लेने के लिए जरूरी है, पौधे उगाइए, ठीक है। और किस चीज की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस के लिए? वाटर की। अब वाटर कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं वाटर प्लांट्स अपने रूट से। हम पानी डालते हैं पौधों को, तो उनके रूट तक जाता है, तो अपने रूट से वो क्या करते हैं? वाटर को लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और ये जब इन्होंने तीन चीज ली, क्या ली? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर, ठीक है, किसकी, और सनलाइट, और इन तीनों को मिलाकर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्टार्च यानी कि शुगर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, जो हम लोग सांसें लेते हैं ना जिसकी मदद से, वो तो, और स्टोर्स जो स्टार्च होता है बच्चों, ये प्लांट्स के वेरियस पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है, और वो क्या कर, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन को वो एटमोसफेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन के थ्रू समझाया गया है, अभी जो बात हमने ऊपर एक्सप्लेन की इसको हमने एक रिएक्शन के थ्रू समझाया है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस स्टार्च एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर कहाँ से ले रहा है, वो रूट से, सनलाइट सन से, और स्टार्च वो अपनी बॉडी अपनी जो पार्ट्स होते हैं उसमें स्टोर कर लेता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो पूरा पूरी अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस की, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी इन सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च को हम और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर लग जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक इतना समझने के बाद क्या समझ में आई कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। पहले क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ये बच्चों याद रखिएगा, ये जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ये हमारी लीव्स में होता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा जो फोटो जो फूड सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, सनलाइट, बिना सनलाइट के नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर ये चार चीज़ें प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल हमारा एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हमारे लीव्स के, जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट गिव्स अ पर्टिकुलर कलर टू अ प्लांट और एनिमल पार्ट इज कॉल्ड अ पिगमेंट। ऑन एवरेज देयर आर अबाउट 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ ए लीव्स। ये आंकड़ा बताया है इन्होंने कि एक लीफ के 1 स्क्वायर मिलीलीटर में कम से कम हमारे 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। एक फोटो है बच्चों जिसमें आपको प्रोसेस थोड़ा समझाया गया है, ये देखिए, जैसे ये एक सनफ्लावर है, ये क्या है, सनलाइट, सनलाइट हमारी लीव्स पे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने एटमोसफियर से ले रहा है, और अपने रूट से क्या कर रहा है, वाटर को ले रहा है, ठीक है, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एंड स्टार्च, ठीक है। ये आपको पता ही है सनलाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो लाइट आ रही है इसको ट्रैप करता है और आपके जो एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स हैं उन्हें बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो अपने एटमोसफेयर से लेता है, कैसे, जो इसमें क्या होता है ना, स्टोमेटा होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उसके अंदर, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है लीव्स के अंदर। और वाटर वो कहाँ से लेता है, अपने रूट से, ठीक है, सॉइल्स जो होते हैं। अब ये बच्चे नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहले आप मुझे यहाँ तक बताइए, आपको यहाँ तक प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का समझ में आया। बच्चों ये वीडियो एक बार आप दोबारा से सुनिए, दोबारा से समझिए अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये जनरल साइंस में, जीके में, साइंस में, हर जगह देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स से हमारे फोटोसिंथेसिस आपके अफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद किस न्यूट्रिएंट से कौन सी डिफिशेंसीज होती हैं डिजीज, इनसे क्वेश्चन ज़रूर लगते हैं। फिर जो मटेरियल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। इसे नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं बच्चों, पहले आप यहाँ तक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसके आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।